हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने देखा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है, जो एनसीईआरटी की बुक है, राजस्थान बोर्ड में लगती है और एनसीईआरटी और भी स्कूल्स में बुक्स चल रही हैं। तो आपको इसमें जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक आएंगे वो अब कवर हो रहे हैं। ये एक सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अभी अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, कंज्यूमर बिहेवियर। अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और यूटिलिटी क्या होता है और यूटिलिटी की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को, एक कंज्यूमर क्या है, अपनी इनकम को कैसे गुड्स परचेज करने पर स्पेंड करेगा, वो कैसे खर्च करेगा, उसको वो सब निर्णय लेने पड़ते हैं कि कौन सी गुड को ले, कौन सी गुड उसकी प्रायोरिटी है, वो सब जो करेगा। एक जो कंज्यूमर का बिहेवियर है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। फिर मैंने आपको बताया था यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या है, किसी भी गुड से हमने कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उस गुड की क्या है, यूटिलिटी होती है। फिर यूटिलिटी में हमने टाइप्स देखे थे, दो टाइप्स थे, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने दी थी। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये समझा दिया कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी में कल आपको बताया था, TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझाया था कि ये क्या चीज़ होती है। आज हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे कि आपस में इनका रिलेशनशिप क्या होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ। कल मैं उसमें लास्ट वीडियो में आपको एक डायग्राम बताया था कि TU ये है और ये MU है। तो इसका रिलेशनशिप देखेंगे। तो फर्स्ट इसके रिलेशनशिप में क्या देखेंगे कि जब TU इंक्रीज हो रही है, जब TU इंक्रीज हो रही है तब क्या होती है, MU डिक्लाइन हो रही है, बट क्या है वो पॉजिटिव है। मैंने कल इनके बारे में अच्छे से समझाया था वीडियो में कि ये क्या होता है और इनके रिलेशनशिप भी कुछ बताया था। आज हमें रिलेशनशिप में आपको अच्छे से और बता रही हूँ कि जब TU इंक्रीज होती है तो MU क्या होती है, डिक्लाइन होती है, बट वो पॉजिटिव रहती है। आपको इसके बारे में ये बताया था कि हम जैसे जैसे यूनिट्स को कंजम्पशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं यूनिट्स को, वैसे वैसे क्या होती है, हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, हर यूनिट कंज्यूम करने के साथ क्या होता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, घटती जाएगी। सेकेंड इसमें क्या होता है, कि जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, ये यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट ले लीजिए, इसको बी पॉइंट कह देते हैं। TU जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो MU क्या होती है, जीरो होती है। जब TU अपने अधिकतम पे पहुंच जाती है, जब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, तो मार्जिनल उपयोगिता क्या होती है, जीरो हो जाती है। थर्ड, जब TU हमारी डिक्लाइन होनी या डिक्रीज होनी शुरू होती है तब क्या होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में चली जाती है, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे आप मोर यूनिट्स, मान लीजिए आप मैंगो का कंज्यूम कर रहे हैं, मैंगो को कंज्यूम कर रहे हैं, आपने एक मैंगो खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, उससे टोटल यूटिलिटी तो आपकी बढ़ती जाएगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। पर जो हमारी हर एक मैंगो, जैसे आपको एक मैंगो में खाने में जितना मजा आएगा, आपको सेकेंड मैंगो खाने में उतना नहीं आएगा, थर्ड में उससे भी कम आएगा। तो वो एक एक जब यूनिट बढ़ने पर हमारी जो कुल उपयोगिता में जो बढ़ती है कुल उपयोगिता, वो क्या होती है, कम होती जाती है।
तो हमारी जो एक एक एडिशनल यूनिट होने से जो हमारी उपयोगिता होती है वो क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो वो क्या होती है, कम होती जाती है। हमें हर एक एडिशनल यूनिट के साथ मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, कम होती है। तो हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो जैसे टी यू इंक्रीज होती है तो एम यू डिक्लाइन होती है पर पॉजिटिव रहती है, और टी यू जब मैक्सिमम होती है तो एम यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और जब टी यू हमारी डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है तो एम यू हमारी नेगेटिव हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम या हासमान सीमांत उपयोगिता ये भी बोल सकते हैं। हासमान सीमांत उपयोगिता ये भी यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। ये लो ही इस लो के बारे में अब आपको बताते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम्स जब करता है मोर ऑफ मोर यूनिट्स को, तो हर एक यूनिट बढ़ने के साथ जैसे वो कंज्यूम कर रहा है यूनिट्स को, वन को किया, टू को किया, थ्री को, फोर, जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ये कैसे, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमने यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी। मान लीजिए हमने पहली यूनिट से हमको 15 यूटिलिटी मिली, सेकंड से हमें क्या होगा, हमें 12 मिली, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 कम हो गई। फिर हमें क्या हुआ, थर्ड हमने ली तो हमें 10 मिली, तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर हमें इससे वापस कितनी मिली, 8 हुई। अब इससे मान लीजिए हमें 9 मिली तो हमें इसका 1, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी, तो जब टोटल यूटिलिटी तो क्या है, ये पूरी है, पर मार्जिनल क्या है, एक एक एडिशनल यूनिट के साथ हमारी क्या है, ये कम होती जाएगी, डिक्लाइन होती है। तो इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं कि जो डिमांड का है, लॉ ऑफ डिमांड जो हुआ था वो उस इसी बेस पर हुआ था कि जैसे जैसे लोगों की यूटिलिटी, जैसे जैसे लोग कंज्यूम करेंगे, यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, उन्हें क्या है कि फिर उस चीज़ की इच्छा नहीं रहती है, तो फिर वो उसके लिए पे नहीं कर सकते। तब ये कहते हैं कि जब डिमांड कम होने लग जाती है तो प्राइजेस भी वो कम ही देंगे, उनकी कोई डिमांड बाकी नहीं रहती है। रिड्यूसिंग प्राइजेस इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऐसे ही फाउंडेड हुआ था इसी प्रिंसिपल पे कि रिड्यूसिंग प्राइजेस इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर देखते हैं इसके अजम्पशंस क्या क्या रहते हैं इस लॉ के। इसकी अजम्पशंस क्या क्या रहती हैं, मान्यताएं क्या क्या हैं? इसमें रहता है कि जबकि एक ये रहेगा कि जबकि वाइल द टोटल वांट्स ऑफ अ मैन आर वर्चुअली अनलिमिटेड। हमें पता है हमारी अनलिमिटेड वांट होती है, सबकी अनलिमिटेड वांट है, वांट्स कभी भी हमारी पूरी नहीं होती। आज एक वांट है कल दूसरी वांट हो जाएगी, तो हमारी कभी भी सारी वांट्स पूरी नहीं होती है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन ये तो है कि ईच सिंगल वांट इज सेटेबल, पर सब जो भी हमारी इच्छा है वो क्या है,
पूरी करने योग्य होती है। ऐसी कोई तो इच्छा नहीं है जो हमारी पूरी करने योग्य नहीं है, हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, पर अगर देखा जाए तो हम कोई भी इच्छा है वो हमारी पूरी कर सकते हैं, वो उस योग्य है कि उससे पूरी की जाए। माना कि हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं, पर वो इस योग्य होती है कि सारी इच्छाएं पूरी की जाए। दूसरा होता है कि ये लोग इस पे बेस करता है कि डिफरेंट गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो होती हैं नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसे सब्स्टिट्यूट में क्या मानते हैं कि कोई, जैसे समझ लीजिए कि आप टी पीते हैं, आपको टी पसंद है, पर जब टी की अगर प्राइसेस बढ़ जाती है तो आप क्या कहेंगे कि हम कॉफी पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब कॉफी उसके आगे सस्ती है, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है। तो अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है टी की, तो आप कॉफी का कंजम्पशन करेंगे, वो पर वो पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाती है, बिकॉज आपको टी पीने की इच्छा है, आपको टी ही अच्छी लगती है, तो आप टी ही पीना प्रेफर करेंगे, तो वो पूर्ण रूप से सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। और जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन है वो आपको वो वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जैसा कि आपको पहली गुड दे रही थी। तो इसकी ये मान्यताएं रहती है। तो ये थी मान्यताएं, मैंने आपको बता दिया कि पहली मान्यता क्या है, एजम्पशंस क्या है, कि जबकि हमारी एक आदमी की मांगे क्या होती है, हमारी एक कंज्यूमर की मांगे क्या है, अनलिमिटेड है, और ईच सिंगल जो भी वॉन्ट है वो क्या होती है, सेटेबल है, तृप्त करने योग्य होती है। और ये लो इस पे भी बेस करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होती है वो पूर्ण रूप से एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, क्योंकि जो पहली गुड से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो सब्स्टिट्यूट गुड से हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिमिनिशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको इसको एक टेबल से क्लियर बताती हूँ। हमने यहाँ पे यूनिट्स लिए, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। हमने यूनिट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये ले रहे हैं 10, 19, 25, 28, 28 और 27 और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है 10, 9, 6, 3, 0 और ये -1। अब आप इसमें देखेंगे जैसे जैसे हम एक यूनिट बढ़ाते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, हमें पहली यूनिट से कितनी मिल रही थी, 10 यूटिलिटी मिल रही थी और नेक्स्ट से हमें 19 यूटिलिटी मिल रही है। तो इसमें क्या हुआ, 9 और बढ़ गया, इसके अंदर हमारी यूटिलिटी क्या है, 9 से और बढ़ गई। अब ये कार्डिनल पढ़ रहे हैं हम, कार्डिनल में क्या बोला गया कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन नंबर फॉर्म, जबकि ये रियलिस्टिक और लॉजिकल नहीं है, पर उसमें मार्शल ने ये बोला है कि हम अपनी यूटिलिटी को क्या है, नंबरिंग दे सकते हैं। अब ये आपको इकोनॉमिक्स ने बोला है, आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा बट ये रियलिस्टिक और लॉजिकल नहीं है, हम इसको कभी भी नंबरिंग नहीं दे सकते, हम इसको ऑर्डर दे सकते हैं। जो हम नेक्स्ट आपका आएगा इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसमें मैं आपको डिटेल्स में करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी टोटल यूटिलिटी तो क्या है, बढ़ती जा रही है पर घटती हुई दर से, मतलब ये डिक्लाइन हो रही है। जैसे यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 6 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे तो माइनस में चली गई है। तो आप देख रहे हैं जो हमारी कुल उपयोगिता होती है, जो टोटल यूटिलिटी है, वो बढ़ती तो है पर घटती हुई दर से। तो जो एडिशनल यूनिट, एक यूनिट और हमने बढ़ाने पर जो ये गैप आ रहा है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है, वही क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो इसमें गैप 10 जो ये तो 10 है ही और ये जो 9 है वो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर 6, 3, 0 जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आप कंज्यूम करेंगे कोई चीज़ को, जैसे आप मैंगो खा रहे हैं या आप मान लीजिए वाटर ही पी रहे हैं, आप जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, आपने एक ग्लास वाटर पिया, आपको क्या है, बहुत अच्छा लगा, उससे आप मान लीजिए आपको 10 यूटिलिटी मिली। फिर आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जब लेंगे तो आपको 9 और यूटिलिटी मिली, पहले में 10 मिली फिर 9 मिली, बिकॉज आपको जब बहुत प्यास लगी तो आपको पहला ग्लास तो पानी अच्छा लगेगा पर दूसरा ग्लास पानी उतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर मान लीजिए आपने थर्ड ग्लास वाटर पिया तो आपकी यूटिलिटी तो बढ़ रही है, फिर उसमें क्या हुआ, पर अब आपको पानी अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन होने शुरू हो रही है। पर एक टाइम बाद क्या होगा, जब आप अगर
फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे, आपको क्या होगा, हो सकता है कि आपको वो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, आपने ऐसे ही उसको पिया है। फिर जैसे सिक्स ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे वो इतना ओवर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हो सकता है पेट में दर्द हो, आपको वॉमिटिंग होने लग जाए और आपकी तबीयत खराब होने लग जाए। तो जैसे जैसे ये इसमें यही बताना चाहता है कि हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है पर घटती हुई दर से, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, घटती हुई दर से बढ़ती है, बट एक समय के बाद ये जो मार्जिनल यूटिलिटी एक समय के बाद जीरो हो जाती है और वो नेगेटिव में भी चली जाती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया गया था। तो ये देखिए, जब मैक्सिमम होती है तो क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, यही बताया आपको डायग्राम में कि जब TU क्या है, मैक्सिमम है, तो MU क्या होती है, जीरो होती है। और जब TU डिक्लाइन होनी शुरू होती है, जब ये डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम के बाद देखिए यहाँ तक तो TU मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही डिक्लाइन हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, माइनस में चली जाती है, ये नेगेटिव में चली जाती है। तो इसमें यही लिखेंगे, TU कीप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। TU हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है पर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, और जब उस समय क्या होता है, MU गिरना स्टार्ट रहती है। फिर क्या हो जाता है, जब TU अपने मैक्सिमम पे होती है तो MU क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिफ्थ इकाई पे हमने यही बताया आपको, फिफ्थ यूनिट पे, कि जब वो मैक्सिमम है तो हमारी MU क्या है, जीरो हो गई। और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, MU बिकम नेगेटिव हो जाती है, जब हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में चली जाती है तो क्या है, हमारी कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। और TU विल इंक्रीज ओनली अप टू द सिचुएशन व्हेन MU इज पॉजिटिव, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है तब तक ही बढ़ेगी जब तक क्या है, हमारी MU पॉजिटिव है। हमारी TU कब तक बढ़ेगी, जबकि MU पॉजिटिव है, जो ये डायग्राम शो कर रहा है, TU तब तक ही बढ़ेगी जब एक बार बार शून्य, जीरो या नेगेटिव है, तो हमारी TU क्या है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको TU और MU में और ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो समझाया, आपको भी अच्छे से समझ आ गया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आप में से कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फुली हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपको वैसे भी अगर नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।